नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ के जिमखाना मैदान में आज आयोजित बलिदानियों की माटी कार्यक्रम में मेरठ सैनिकों के जज्बे और बलिदान के सम्मान में हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 54 शहीदों के घर की माटी को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह समेत कई अन्यों ने प्रणाम किया। वहीं आपको बता दें कि भारत माता की जय के नारों से गूंजते कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों की आंखें नम हुई तो कभी सीना गर्व से चौड़ा भी हुआ। उन्होंने पीओके के बारे में बात की। पीओके तो भारत का ही है, पीओके कोई इंडिपेंडेंट देश नहीं है और न ही पीओके पाकिस्तान का है। इसलिए यूनाइटेड नेशन भी भारत यदि पीओके को वापस लेता है तो रोकेगा नहीं। सीज फायर है वहाँ पर और वो सीज फायर भी एक अंतर्राष्ट्रीय गलती थी। तो हम चाहें तो बड़े सौम्यता से भी बिना युद्ध के भी पीओके को वापस भारत में ले सकते हैं। और एक बड़ी खास बात आपको बताता हूँ, जो उस साइड का कश्मीर है वहाँ के लोग भी प्यार भारत से करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि केवल 4 किलोमीटर का अंतर है और यहाँ भुखमरी है और वहाँ लोगों के पास बहुत सारी नौकरियाँ हैं, इज्जत है, दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान की बड़ी रिस्पेक्ट है बाहर, पाकिस्तानी मुसलमान की नहीं। तो वो तो स्वयं आने को तैयार है। परमिशन से पहले एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है, सीधा युद्ध नहीं होता, तो पहले वो डिप्लोमेटिक चैनल से मुझे ऐसा लगता है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसका सैनिक इतना वीर और सहनशील, कोई नहीं है। मैं बहुत से देशों में गया हूँ, बहुत से देश के सैनिकों से मिला हूँ, बहुत से सैनिकों के साथ मैंने ट्रेनिंग की है बाहर के देशों के साथ। 3 महीने के अंदर अगर वो मुश्किल परिस्थिति में रह लेते हैं, जो हमारे हिसाब से मुश्किल नहीं है, तो उनको घर की याद आने लगती है, उनके काम के अंदर सर गिर जाता है। और एक चीज को मैं आपको बताता हूं, हमारा सैनिक 3-3 साल रहता है, उसके काम का सर कभी नहीं गिरता मुश्किल इलाकों के अंदर।